अब हम आपको भारतीय सेना के पौराणिक योद्धाओं से मिलवाएंगे। आपके मन में देशभक्ति की भावना और जोश पैदा करने के लिए आज हम भारतीय सेना की अलग अलग रेजिमेंट से अक्सर आपका परिचय करवाते रहते हैं और आज आपका अपॉइंटमेंट नागा रेजिमेंट के साथ है। नागा रेजिमेंट भारत के पूर्वोत्तर हिस्से के पराक्रमी योद्धाओं की फौज है। इस रेजिमेंट के ज्यादातर जवान नागालैंड से आते हैं। ये नागा जनजाति के लोगों का वो इलाका है जहां दुश्मन कभी अपने पांव नहीं जमा सका। देश पर सदियों तक विदेशी हमले हुए लेकिन इस इलाके की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत किसी की नहीं हुई और इसकी वजह है नागा जनजाति के लोगों का शौर्य और पराक्रम। और यही वजह है कि इस जगह पर और यहां के लोगों पर बाहर की संस्कृति का प्रभाव बहुत कम है। नागा कभी किसी से उलझते नहीं, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर इन पर किसी ने हमला किया तो वो दुश्मन को छोड़ते भी नहीं। दुश्मन के सिर को काटकर उन्हें अपने घर में इकट्ठा करना नागाओं की बड़ी पुरानी परंपरा है। ये अपने दुश्मन पर कभी रहम नहीं करते। दुश्मन के हाथ काटकर गांव में लटका देना इनकी ऐतिहासिक परंपरा है और आज भी नागाओं के घरों में दुश्मनों की खोपड़ियों के ढेर आपको मिल जाएंगे। ये नागा लोगों के पूर्वजों के शौर्य और वीरता की परंपरा का प्रतीक है और साथ ही ये दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। दुनिया के कई देशों के विद्वान और पत्रकार इन लोगों की वीरता और बहादुरी पर रिसर्च करने के लिए नागालैंड आते हैं। नागा रेजिमेंट भारत की सबसे युवा रेजिमेंट है। वर्ष 1970 में इस रेजिमेंट की स्थापना हुई थी और वर्ष 1960 में उग्रवाद से प्रभावित नागालैंड और भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ था और इसी समझौते को नागा समझौता कहा जाता है। इस समझौते के बाद भारत की सेना में नागा योद्धाओं की भर्ती का रास्ता खुला। जब नागा रेजिमेंट की पहली पलटन बनी तो नागा योद्धा सीधे मुख्य धारा में शामिल हो गए। इसके बाद पूरे देश ने अलग अलग युद्धों में नागा सैनिकों का जौहर देखा। सिर्फ 47 वर्ष के छोटे से वक्त में ही नागा रेजिमेंट ने भारत की सेना में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया। आज आपको नागा रेजिमेंट के इस शौर्य और पराक्रम को जरूर देखना चाहिए। भारत के नॉर्थ ईस्ट के घने जंगलों और पहाड़ों से लेकर म्यांमार के बड़े इलाके तक पर सदियों तक इनका राज रहा है। बड़ी से बड़ी बाहरी फौज ने इनके इलाके में घुसने की हिम्मत नहीं की। दुश्मन के सरों को काटकर अपने घर में सजाना इनकी परंपरा रही है। ये जितने अजय योद्धा हैं उतने ही मेहमान नवाज और स्वाभिमानी। जब ये भारतीय सेना में शामिल हुए तो इनके साथ इनकी परंपराएं भी आई। ये है भारतीय सेना की सबसे युवा रेजिमेंट हेड हंटर्स यानी नागा रेजिमेंट। नागा रेजिमेंट के शौर्य और पराक्रम का भारत की थल सेना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कुमाऊं की पहाड़ियों में नागा रेजिमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है और पहाड़ जैसा हौसला रखने वाले नागा रेजिमेंट के जवान यहां पसीना बहा रहे हैं। नागा रेजिमेंट की सिर्फ 3 बटालियन है। ये रेजिमेंट आकार में छोटी है लेकिन दुश्मन नागा रेजिमेंट के नाम से थर्राते हैं। नागालैंड के अलावा मणिपुर से भी जवान नागा रेजिमेंट में भर्ती किए जाते हैं। नागाओं की 20 से ज्यादा उपजातियां हैं जो भारत की सेना में शामिल होना अपना गौरव समझती हैं। नागालैंड के पहाड़ों और जंगलों के ये पैदाइशी योद्धा अनुशासित भारतीय सेना का हिस्सा बनने तक बहुत सख्त ट्रेनिंग से गुजरते हैं। नागा कुदरती योद्धा होते हैं लेकिन भारतीय सेना में शामिल होने से पहले उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है भाषा। नागा रेजिमेंट में भर्ती होने वाले ज्यादातर जवान नागामीज भाषा जानते हैं।
उनको हिंदी सिखाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर में ही स्पेशल क्लासेस करवाई जाती हैं। मैदान में पसीना बहाने के साथ साथ नागा अपने दिमाग को भी खूब दौड़ाते हैं। इन्हीं में से एक निंगेपो एनसीसी के कैंप्स का हिस्सा रह चुके हैं, इसलिए उनकी हिंदी बाकी जवानों के मुकाबले काफी बेहतर है। ये नेंगोपे हैं, इनको हिंदी थोड़ी थोड़ी आती है क्योंकि इन्होंने एनसीसी की थी और उस दौरान आरडीसी कैंप में वो दिल्ली में रहे थे। अब ये भर्ती हो चुके हैं नागा रेजिमेंट में और इनको 12 दिन हो गए हैं। पिछले अनुभवों ने इनको थोड़ा मदद की है और ये अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। पिछली बार जो आरडीसी वगैरह में एनसीसी में रहे उससे हिंदी सीखी? हाँ सर, उधर से थोड़ा थोड़ा सीखा। और मेरा भैया भी एक आर्मी में था तो उसकी पोजीशन मेरा हिंदी तो थोड़ा सीखा है सर। इससे आरडीसी के अलावा और कभी नागालैंड से बाहर आए आप? सर गुवाहाटी में आया था और उसी समय जोरहाट में कैंप किया था सर, एनसीसी के एनसीसी ट्रू एनसीसी उधर कैंप किया सर। नागा रेजिमेंट के जवान 34 हफ्तों में लोहे से फौलाद बन जाते हैं। इनमें से ज्यादातर जवान गांवों के निवासी होते हैं। बचपन से ही इन्हें मेहनत करने की आदत होती है, इसलिए इनका शरीर बहुत मजबूत होता है। ट्रेनिंग के मैदान में इनका जज्बा देखते ही बनता है। आमने सामने की लड़ाई में नागा रेजिमेंट के जवानों से पार पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। सामने मौजूद दुश्मन पर नागा रेजिमेंट के जवान बिजली की रफ्तार से हमला करते हैं। इनके हाथों की तेज हरकत और पैरों की तेज रफ्तार इनको अजेय योद्धा बना देती है। इनके प्लस पॉइंट्स ये हैं कि एक तो नागालैंड भी एक हिली एरिया है, तो इनका जो जंगल वॉरफेयर वाला ट्रेनिंग है इनको इजीली समझ में आ जाती है। इनका जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं वो ज्यादा बाकी रिक्रूट से ज्यादा अच्छा होता है, तो ये लोग जल्दी चीजें पकड़ लेते हैं। दूसरी चीज है इनका फिजिकल फिटनेस, सिंस ये लोग मोस्ट ऑफ देम गांव से होते हैं तो फिजिकली बहुत ही एक्टिव और बहुत ही रोबस्ट होते हैं ये लोग। ये जो नागाज होते हैं बहुत लॉयल होते हैं, अगर इनको लग गया कि ये काम मैंने करना है तो ये किसी भी हाल में करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं और बहुत ही स्पिरिटेड होते हैं, कभी गिव अप करने वाला एटीट्यूड नहीं है इनमें। युद्ध कौशल नागा रेजिमेंट के जवानों को विरासत में मिलता है क्योंकि इनके पूर्वज युद्ध की कला में पारंगत थे। वीरता नागा जवानों की रगों में दौड़ती है। पीढ़ियों का युद्ध कौशल ट्रेनिंग में इन जवानों की बहुत मदद करता है। नागालैंड के गांव से आया हुआ सोनगाथिंग एक आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से किसी मकान में छिपे हुए दुश्मनों को बहुत करीब से ढेर कर रहा है। सोनगाथिंग को इस ट्रेनिंग के जरिए भविष्य में देश के अलग अलग हिस्सों में या फिर कश्मीर जैसे इलाकों में किसी भी इमारत में छुपे आतंकवादियों को ढेर करने में महारत हासिल होगी। सेना के ट्रेनिंग सेंटर इसमें पेंट बॉल राइफल जैसे उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे गोला बारूद की बचत होती है, लेकिन ट्रेनिंग बढ़िया होती है। ये ट्रेनिंग एक स्पेशल रूम में होती है। इस अभ्यास को रूम इंटरवेंशन कहा जाता है जिसमें जवान बहुत फुर्ती से एक से ज्यादा टारगेट को निशाना बनाते हैं। लड़ाई बंद कमरों में भी होती है और बहुत दूर जंगल में छिपे दुश्मनों से भी। इसके लिए लंबी दूरी के टारगेट पर सटीक निशाना लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। लॉन्ग रेंज शूटिंग में अब नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। निशाने पर लगा हुआ कैमरा फायरिंग पर लगातार नजर रखता है और निशाना कितना सही है ये बगल में रखे उपकरण से पता चल जाता है। इससे वक्त भी बचता है। जवान अपना जौहर अपनी आंखों से देखते हैं, उनको अपनी काबिलियत का भी पता चलता है और कमियों का भी। ऊंचे पहाड़ों पर बैठे दुश्मन पर वार करना युद्ध में सबसे मुश्किल काम होता है। भारत की सेना ने कारगिल की लड़ाई में इसका बहुत कड़वा सबक सीखा था। अपने दोनों बड़े दुश्मनों से भारत का सामना पहाड़ियों में होता है, इसलिए इस मुश्किल जंग को सीखना और जीतना नागा रेजिमेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। यहाँ इस वक्त पहाड़ पर बंकर में मौजूद दुश्मन को तीन तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है। बेहद खामोशी से जवान लगातार पहाड़ियों पर चढ़ते हैं। सबसे पहले पहली टुकड़ी दुश्मन के बंकर पर ग्रेनेड फेंकती। ग्रेनेड के धमाके से भौचक के दुश्मन पर नागा रेजिमेंट के जवान मौत की तरह टूट पड़ते हैं। अगर दुश्मन को पास की किसी चौकी से मदद मिलती है तो उसको खत्म करने के लिए भी नागाओं की तीसरी टुकड़ी तैयार रहती है। जो नागा रिक्रूट हैं ये एक वॉरियर है, ये इनके कल्चर में ही लड़ाई है
और ये सीख के इनको सिखाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, ये बहुत ही जल्दी हर एक ड्रिल को बहुत ही जल्दी एब्जॉर्व कर लेते हैं और उसके बाद जब ये सीख जाते हैं तब इनका जोश देखने लायक होता है। युद्ध के मैदान में नागा खूंखार योद्धा होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में नागा बहुत शांतिप्रिय, संगीत प्रेमी और कला के शौकीन होते हैं। इसकी झलक उनकी बैरक में भी देखने को मिलती है। नागा जवान जहां पर रहते हैं वहां की सजावट खुद अपने हाथों से करते हैं। शुरुआत में नागा जवानों को खानपान संबंधी दिक्कतें आती हैं, लेकिन बहुत जल्द इनको फौजी जिंदगी में मजा आने लगता है क्योंकि ये युद्ध नागा जवानों के डीएनए में है। ये लोग जो है नए नए चीज सीखने में बहुत इंटरेस्ट लेता है। इनके एक तो खासियत ये है कि फिजिकली बहुत फिट है ये लोग, और साथ साथ में ट्रेनिंग के साथ साथ डेकोरेट करना, खुद को साफ सुथरा रखना, साथ साथ में नए नए इनोवेटिव आइडिया निकालना, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रूम के यहाँ पे डेकोरेशन जो है उन्होंने ही किया है। यहाँ पे भी जब भी कोई खाली टाइम एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उनको यहाँ पे म्यूजिक में उनका कोई गिटार बजाना या कोई लेजर टाइम पे आपके कोई संडे में उनको गिटार से कोई ट्रूप में उनको गाना साथ साथ में कोई म्यूजिक का ये दिलचस्पी बहुत रखते हैं। यहाँ का शौर्य स्मारक नागा रेजिमेंट की वीरता और गौरवपूर्ण इतिहास का सबसे बड़ा गवाह है। भारतीय सेना में 200 से 250 साल पुरानी रेजिमेंट्स के मुकाबले नागा रेजिमेंट बहुत युवा है, लेकिन नागा रेजिमेंट के ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद शौर्य स्मारक नागा जवानों के बलिदान और बहादुरी का प्रतीक है। ये तस्वीरें गवाह है, नागा रेजिमेंट अपनी वीरता की परंपरा से जरा भी नहीं हटी है। ये सदियों पुरानी परंपरा है जो उनको अपने पूर्वजों से मिली है। भारत बहुत विशाल देश है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और पंजाब से लेकर नागालैंड तक से योद्धा पहाड़ी नदियों की तरह आते हैं और मिलकर एक महानदी बनाते हैं जिसे भारतीय सेना कहते हैं। और जब ये महानदी जोश में उमड़ती हुई आगे बढ़ती है तो इसके बहाव को रोक पाना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन होता है। कैमरामैन दीपेंदु दे के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, रानीखेत।